हेलो बच्चों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ही मजा आकर पढ़ाई करोगे। आज मुझसे सीखेंगे एक और कैलकुलेशन का बैलेंस करना मात्र 3 स्टेप में। चलो स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला स्टेप, डिवाइड कीजिए LHS एंड RHS में, वैल्यू लिखिए कार्बन 7, देन हाइड्रोजन इज 1, 4, ऑक्सीजन इज ओनली 2। ये काम कीजिए, कार्बन इज 1, देन हाइड्रोजन इज 2, ऑक्सीजन 2+1, टोटल इज 3। क्लियर? इतना काम आपको करना होता है स्टेप नंबर 1 में करना होता है। अब आता है सेकंड स्टेप, आता है यहाँ पर मैं चेक करूँगा कि केमिकल इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है, चेक करते और पता लगाते हैं। कार्बन 7 एंड कार्बन 1 डिफरेंस, हाइड्रोजन 1, 4, यहाँ 2 डिफरेंस, ऑक्सीजन यहाँ पर 2 है बट यहाँ पर 3 है डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के वैल्यू मैच नहीं कर रही है, मीन्स वह केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं है। जब केमिकल इक्वेशन बैलेंस नहीं होती है तब आती है थर्ड स्टेप, आती है यहाँ पर मैं एक ऐसे ट्रिक यूज़ करूँ जिससे क्या होगा आपको टफ लगने वाला केमिकल इक्वेशन बेहद आसान लगेगा। अभी से देखिए कैसे वो ट्रिक क्या है वो बताता हूँ मैं। आप देखिए जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ये किस ग्रुप का है, एल्किन ग्रुप का है। जब आपका एल्किन ग्रुप का फॉर्मूला लिखा है तो क्या करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई स्टार्टिंग में कर देते हैं, जिससे क्या होता है यहाँ पर मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है। तो कितना आई है 14 आया। आप कार्बन देखिए यहाँ पे 1 है तो क्या करेंगे 14 का मल्टीप्लाई यहाँ पे कीजिए, ये भी आ गया, ये वैल्यू को यहाँ पे आप लिखिए, ठीक लिया। 2 का मल्टीप्लाई हाइड्रोजन में तो कितना आई है 28 आया, क्लियर। अब जब ये 28 है तो क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर तो है नहीं 28, तो क्या करेंगे यहाँ पर भी 1, 4 का मल्टीप्लाई कीजिए, ये भी वैल्यू कीजिए 28 हो गए। तो यहाँ पर कर देखिए हाइड्रोजन वैल्यू इक्वल हो गया, ये इक्वल। अब आ जाए ऑक्सीजन, इसका मल्टीप्लाई कीजिए कितना आई है 28 आया, देन इसका मल्टीप्लाई कीजिए ये वैल्यू कितनी आई यहाँ पर 28 प्लस 14 को ऐड किया 42 आया। देन यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन ओनली 2 है, क्या करेंगे यहाँ पर 42 लाने के लिए 21 का मल्टीप्लाई कीजिए, वैल्यू कितनी है 42 आई। देन 21 को आप यहाँ पर लिखिए तो वैल्यू कितनी आ गई, इक्वल हो चुकी है 42 एंड 42। कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के वैल्यू आपस में मैच कर, 3 में केमिकल इक्वेशन बेहद आसान तरीके से बैलेंस हो चुकी है। अगर आप भी चाहते हैं हाउ टू बैलेंस की और भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं किस तरीके से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है, आप जाइए अपनी लिस्ट में, वहाँ पर 700 के आसपास मैंने बनाई है आपके लिए, पर्सनली बनाई हुई है, आप जाइए वहाँ पर अच्छा खासा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमेशा के लिए प्रॉब्लम दूर हो जाएगी केमिकल इक्वेशन की। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिस्ट्री के लिए बहुत ही बेसिक एक कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको हर हाल में सीखना चाहिए। मैं मिलता है एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।